इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि SSI का इंडिया में क्या स्कोप है, क्या डेफिनेशन है, देश की आज़ादी के पहले SSI का क्या फॉर्म था हमारे देश में, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग ने SSI को किस तरह से स्टार्ट किया। आप लोगों को मैंने बताया कि SSI किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल यूनिट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले ही बोल दिया था कि अगर हिंदुस्तान को प्रॉस्परस होना है, आगे तरक्की करनी है, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, लघु उद्योग पे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉटेज इंडस्ट्रीज किसी देश में अच्छा करेगी तो वो देश डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी बन जाएगा। हमारे देश में अभी तक पिछले 70-75 सालों में हमने मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास काम नहीं किया है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई खास काम नहीं किया है, हमने स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के लिए भी कोई खास काम नहीं किया और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कोई खास काम नहीं किया। लेकिन हमारे देश का हिडन पोटेंशियल है कि हम लोग बाई डिफॉल्ट वर्ल्ड की 5th-6th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। इसमें अगर हम ये कहें कि किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल लीडर का, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से चाइना को तरक्की करने में किसी एक खास लीडर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, सिंगापुर को डेवलप कंट्री बनाने में एक खास लीडर ने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और जितना करना चाहिए था शायद पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर्स को, उन्होंने उतना नहीं किया। तो अब इधर कुछ रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ें करनी स्टार्ट करी हैं, मेक इन इंडिया स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया है, स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम किया है, तो थोड़ा थोड़ा अब गवर्नमेंट पार्टियां और गवर्नमेंट जाग रही है, लेकिन अभी तक कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं हुआ देश में। तो अगर हमें अपने कंट्री को वर्ल्ड की टॉप 3 इकॉनमी में से एक बनाना है, जो कि इस समय नॉमिनल GDP के टर्म्स में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है, फिफ्थ पे कभी इंडिया आ जाता है, कभी ब्रिटेन आ जाता है और फ्रांस भी है। तो ये 5-6 देश हैं जो टॉप 5-6 पोजीशन पे रहते हैं हमेशा। तो अगर अब हमें 5 trillion की इकॉनमी बनना है, क्योंकि जर्मनी, जापान जो है वो जापान में लगभग 5 trillion से ज़्यादा की इकॉनमी है और अभी हम लोग 2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो अगर हमें टॉप 3 में जाना है तो हमें $5 trillion की इकॉनमी बनना पड़ेगा और हमें अभी से डबल होना पड़ेगा। एक डेटा मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि 1947 से लगभग 2000 तक हमारी इकॉनमी का साइज $1 trillion हुआ था और अगले 8-10 सालों में हम लोग 1 trillion से 2 trillion हो गए थे, यानी लगभग 50-60 साल लग गए हमें 1 trillion होने में, लेकिन 1 trillion के बाद फिर अगला 1 trillion का सफर हमने 7-10 सालों में तय कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम पेस हमारा काफ़ी तेज हो गया है और लगभग हम लोग 7-10 सालों में डबल हो रहे हैं। तो अगर हमारी GDP 7-8% से ग्रो करती रही तो हो सकता है कि अगले 8-10 सालों में, 12 सालों में हम लोग डबल कर जाएं, लेकिन हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन इकॉनमी को, इंडियन पर कैपिटा इनकम को बाकी दुनिया के देशों से, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ बिलो $2000 है और बाकी सारे छोटे छोटे देशों की पर कैपिटा इनकम 50,000, 60,000, 30,000, 70,000 और मोर देन $1 lakh पर एनम भी है। तो इस तरह से पॉवर्टी के मामले में, इलिटरेसी के मामले में, गरीबी के मामले में हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से हमारा देश स्थान आएगा अगर हम वो भी देखें तो इसलिए हमें अभी बहुत तेज़ी से अगला टारगेट ये है कि 5-6 साल में हमें अपनी इकॉनमी के साइज़ को डबल करना है। और रूल ऑफ 72 कहता है, रूल ऑफ 72 आप लोगों को पता है, किसी को रूल ऑफ 72 पता है? किसी को नहीं पता। रूल ऑफ 72 इसलिए इसका इस्तेमाल ये होता है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने समय में हमारी वेल्थ डबल हो जाएगी या इकॉनमी डबल हो जाएगी, तो इसके लिए रूल ऑफ 72 इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि
अगर 12% का जीडीपी रेट हो तो 72 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 6 साल लगेंगे। अगर 12% का ग्रोथ रेट हो तो हमें डबल होने में 6 साल लगेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितना, इससे हम लोग वो भी कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने समय में अपना पैसा डबल कर लेंगे, वो भी इससे कैलकुलेट हो सकता है कि अगर इतना एफडी का या हमारे इन्वेस्टमेंट का इतना रेट ऑफ रिटर्न हो तो इतने समय में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो रूल ऑफ 72 लगा के आपको आसानी से पता चल जाता है। अगर मान लीजिए किसी का 18% का रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है तो कितने समय में डबल हो जाएगा? 18% का रेट ऑफ रिटर्न है तो कितने, 4 साल में उसका पैसा डबल हो जाएगा। अगर 18% से ग्रो करेगा तो सिर्फ 4 साल में 100 रुपए के 200 रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर अब 18% की जीडीपी रेट तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस समय कोविड में जब -30% हो सकती है तो इस बार ये उम्मीद है कि शायद 12-15% का रेट, हमें जीडीपी रेट देखने को मिल सकता है। तो और ऑन एन एवरेज 6-7% का ही रहता है इंडिया का। हमारे देश के प्रोडक्शन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1991 से लेके 1990-91 से लेके लगातार ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व बना रहा है, और 2020 तक इसने लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दी है। और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन है, उसमें से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का 40% का कंट्रीब्यूशन है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि लगभग 60-70% का कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मिड स्केल इंटरप्राइजेस का होता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके एसेट में अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये उम्मीद है कि उसको लगभग 4-4.5 गुना रिटर्न मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूशन रूरल और अर्बन एरिया में, हमें पता है कि हमारे देश की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम लोग रिलायंस की बात करें, TCS की बात करें, HDFC की बात करें, L&T की बात करें, तो ये सारी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मोर देन 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां हैं। और इससे ही एक चीज ये पता चलती है कि इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो बहुत कर रखा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हम लोग डेटा निकालेंगे तो लगभग 4-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होगा TCS, और 3-4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होगा रिलायंस। और अगर हम ये सारी टॉप 10-20 कंपनियों को मिला लें तो वो टोटल एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस सिर्फ 50 लाख का भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, 1 करोड़ नहीं दे रहा, 25-30 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, तो यानी कि वो निग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। इससे ये पता चलता है कि पैसा तो सारा का सारा लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस ने कॉन्सेंट्रेट कर रखा है अपने पास, लेकिन वो ऑटोमेशन में वर्क कर रही हैं, वहां पे मैन पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उन्होंने सारे के सारा प्लांट और अपनी सेटअप इस तरह से एस्टैब्लिश कर रखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा है। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुरुआती लेवल पे होती है, मतलब आप एक कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी एक तरह का स्टार्टअप ही होती हैं। छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, छोटे उद्योगपति जिनको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और जब वो स्टार्ट करते हैं तो एकदम से उनके पास ऑटोमेशन वाला प्लांट नहीं होता है और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप होता है, तो उनको शुरुआत में कहाँ से करनी पड़ती है, मैन पावर से, लेबर ओरिएंटेड वर्कर आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि कैंडल बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, क्राफ्ट के वर्क करने हैं, मूर्ति बनाना है, पेंटिंग बनाना है, और इस तरह के जो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें ह्यूमन स्किल्स ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इंस्टेड ऑफ बहुत बड़ी बड़ी पावर लूम लगी है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगी है, उसकी जगह पे ह्यूमन स्किल्स ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अगर हमें ऐसा कुछ काम कराना है तो हमें जरूरत होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, और जिसमें मैन पावर काम करता है। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस ही मेन कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप अच्छे से इसका डेटा सर्वे कराएं तो आपको ये पता चलेगा कि अगर
ऑर्गेनाइज सेक्टर में 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो 70-80 लोगों को एम्प्लॉयमेंट खाली स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस ही दे रहे हैं। लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस को मैं 20% मान रहा हूँ, लेकिन वो 20% भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो मैं 20% मान लेता हूँ, लेकिन 20% भी नहीं है। कुछ स्टेट वाइज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ये एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देखें कि पंजाब में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन 5%, तमिलनाडु में 14, महाराष्ट्र में 9, उत्तर प्रदेश में 9, वेस्ट बंगाल में 8, गुजरात, कर्नाटका। ये डेटा काफ़ी पुराना है, हम लोग एक बार गूगल करके एक नया डेटा देख लेते हैं अगर अवेलेबल होगा, क्योंकि डेटा काफ़ी पुराना है, तो एक बार हम लोग नया डेटा देख लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेट वाइज, 8-9 का डेटा ही आ रहा है, चलो देखते हैं 8-9 में क्या था। देखिए एक तो ये मोटा मोटा कुछ आ गया, नवंबर 2010 का एक डेटा है जिसमें ये दिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज पर 4th ऑल इंडिया सेंसस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, अराउंड 6 लाख persons आर एम्प्लॉयड इन MSME, जबकि अभी हम लोगों ने लार्ज स्केल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था तो अब लगभग 25-30 लाख ही आ रहा था, 25-30 लाख, मैक्सिमम 50 लाख या 1 करोड़, यानी कि 100 लाख, जबकि उसके दूसरी तरफ स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस लगभग 600 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इनके पास जो वेल्थ है, जो इनके पास जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस की कंपैरिजन में शायद 10 या 20% है। मतलब अगर 100 रुपये को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस के पास 80% की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इनके पास सिर्फ 10-20% की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इतने कम मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी वो एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यानी कि अगर हमें इस समय, हम लोग ने काफ़ी बार बात करी है कि भारत सरकार के सामने या अपने देश के सामने इस पैंडेमिक में या ओवरऑल पूरी दुनिया के सामने स्पेशली इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, उनका भी एक टारगेट ये है कि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प करता है, क्योंकि पहले वो किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ट्रेनी, एज अ एम्प्लॉय काम करता है स्टूडेंट जो पास होता है डिफरेंट कोर्स करके, और जब वो वहाँ पर 6 महीने काम कर लेता है तो उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर वो अपना काम करने की भी सोचता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने पहले अमेजोन में काम किया था, या इस तरह से बहुत सारे, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने किसी एक जो फाउंडर है उसने किसी ना किसी रेलेवेंट इंडस्ट्री में काम किया, काम करने के बाद उन चीजों को सीखा और फिर उसने अपनी कोई फर्म या स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो अच्छी क्वालिटी के एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप या अच्छी क्वालिटी के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो आगे चल के सर्वाइव कर पाए, वो भी तभी बन पाएंगी जब हमारे यूथ को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पोटेंशियल भी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस में ही है। क्योंकि अगर आप देखें, एक छोटा स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो यह मान के चलिए कि 5 से 10 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट आराम से दे देता है, कभी कभी 4-5 दोस्त मिलकर ही कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर 4-5 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तरह से वो 4 लोग एम्प्लॉयड हो गए। और अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देख लें, अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल ले लें, तो हमें ये पता चलेगा जिसमें जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, इसके ऊपर बहुत प्रोपोगंडा हो चुका है पहले, तो अगर इस तरह के कोई काम कर रहा है छोटे मोटे, तो वो भी एक तरह से एम्प्लॉयड है, वो भी कुछ अपने लिए जीविका कमा रहा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इस तरह से लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस पूरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कुछ परसेंट ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सारा स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, दूसरा एक डेटा है इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन GDP, GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे माइक्रो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विद अराउंड 63.4 मिलियन यूनिट्स थ्रू आउट द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द कंट्री, मतलब ये ऑन एन एवरेज माना जा रहा है कि हमारे देश में लगभग 64 मिलियन यूनिट्स हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 64 कितना हुआ, 6 करोड़ 40 लाख। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस
हमारे देश में कितनी है, 64 मिलियन, यानी कि 6,40,00,000 यूनिट्स है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हम पूरे देश में चले जाएं, पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख लें, तो ऑन एन एवरेज, ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रोपराइटर से बिजनेस को और इवन पार्टनर से बिजनेस को भी रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता है। तो लेकिन हम ये मान सकते हैं कि लगभग 6,50,00,000 यूनिट्स हमारे देश में काम करती हैं, छोटी बड़ी मिला के, मतलब बड़ी नहीं, छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस हैं वो सारी की सारी, और उनका जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड मैनुफैक्चरिंग जीडीपी ऑफ द मैनुफैक्चरिंग जीडीपी एंड 24.63% ऑफ जीडीपी फ्रॉम सर्विस एक्टिविटीज। तो मैनुफैक्चरिंग जीडीपी में उनका 6% का कॉन्ट्रीब्यूशन है और सर्विस जीडीपी में 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल लगभग 33% या 35% का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कौन करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती है, और इनके पास पैसा कितना है, टोटल शायद 10% 20% है। तो अगर जो अमीर या बड़े लोग हैं उनके पास से पैसा थोड़ा हट के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास आए, तो ये ज्यादा रिस्क लेंगे, ज्यादा मैन पावर ओरिएंटेड काम करेंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना, तो वो बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाती है। वो एक एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एक बार हम लोग, जब मैं रीजनल हेड था, तो हम लोग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होती थी, कॉस्ट कटिंग पे बात होती थी, कॉस्ट कटिंग करनी है। तो काफी बड़ा, मतलब वो बिल्डिंग थी, पूरी कंपनी की बिल्डिंग थी। तो ये हुआ कि कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे करना है। तब तक एक डायरेक्टर बैठा था, उसकी नजर ऐसे ऊपर गई, वो सोच रहा था कुछ, ऊपर गई तो देखा, वो नहीं होता है जो फॉल सीलिंग में जगह जगह पे लाइट्स के लिए नहीं ब्लॉक्स लगे होते हैं, एक एक ब्लॉक में 3-3 CFL लगे थे। उसने कहा एक एक हटा दो पूरी बिल्डिंग से। तो एक एक वो हटा दिया गया, तो उससे क्या हुआ, एक ब्लॉक में 3 लगे थे, तो यानी कि आपका अगले महीने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने आप 33% रिड्यूस हो गया। थोड़ी लाइट कम हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल 33% रिड्यूस हो गया। तो मतलब लार्ज स्केल जो, मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो इतने ज्यादा माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों में आप पैसे बचा सकते हैं। और वो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा ऑटोमेशन हो सके, इसके लिए ऐप बनवा दो, इसके लिए सॉफ्टवेयर बनवा दो, इसके लिए ये आदमी का क्या क्या काम है, इसका सॉफ्टवेयर बना दो, इस आदमी की छुट्टी कर दो, या इसको दूसरे काम में लगा दो। जब लार्ज, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दिया था मैंने आपको, कि हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ, फाइनल ईयर के साथ, आप लोग के साथ वैसे होना है, प्रपोज्ड है, पता नहीं कोविड में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट पे जाते थे। तो हम लोग ने एक बार पंतनगर की फैक्ट्री विजिट करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो फैक्ट्री जो थी पार्ले की, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और मुझे सिर्फ वहाँ 3-4 लोग दिखाई दे रहे थे। हम लोग, वो HR मैनेजर थी, वो ऊपर लेके गई, स्टूडेंट थे सारे, और वो प्लेटफॉर्म ऐसे बना हुआ था कि ऊपर खड़े होने के बाद पूरा नीचे फैक्ट्री दिखाई दे रही है, और वो अपना पूरा कैंपस चारों तरफ मिला लो और इससे इसका 3-4 गुना कर दो, इतने बड़े में वो प्लांट लगा था। बाकी एकदम बाहर वाला एरिया और एक्स्ट्रा था, इतना वो था जहाँ पे वो मशीनरी चल रही थी, जहाँ पे पार्ले जी बन रहा था। तो उन्होंने ऊपर से ऑब्जर्व हम लोग ने किया, तो वहाँ पे से 4-5 लोग दिखाई दिए थे, और वो भी काम कुछ नहीं कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि काली कहीं मशीन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गई, कहीं पे ये जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई प्रोसेस रुक तो नहीं गया, बस मतलब इस तरह के 4-5 लोग थे, और फुली ऑटोमेशन में प्लांट चल रहा था। दैट्स वाई पार्ले इज एबल टू डिलीवर पार्ले जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नियर अबाउट 50-60 ईयर स्टिल एट द प्राइस ऑफ ओनली 5 रुपीज पर यूनिट। तो वो जब मैं बचपन में उस बिस्किट को खरीदता था, तब भी वो 5 रुपए का आता था, और अभी भी 5 रुपए का आ रहा है। साइज 30% रिड्यूस किया है, पहले 100 ग्राम का था, अभी 70 ग्राम का हो गया है, लेकिन महंगाई वहां से कितने गुना बढ़ चुकी होगी। मतलब उस समय जो 100 रुपए की वैल्यू थी, वो समय शायद 20 रुपए या 10 रुपए की बची होगी। तो महंगाई 5 times बढ़ चुकी है, और सेंसेक्स की बात कर ले, इंडेक्स वहां से पता नहीं कितने गुना बढ़ चुका है, लेकिन पार्ले जी का प्राइस नहीं बढ़ा, खाली थोड़ा साइज रिड्यूस हो गया है। क्वालिटी भी रिमेन सेम, क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है।
तो ये क्यों कर पाए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि उनको किसी को कुछ पैसा देना ही नहीं है। कोशिश वो कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऑटोमेशन में ही काम चले, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड काम हो रहा है। हाँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो लगता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन तो लगता ही है, कॉस्ट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, इसीलिए वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है। और कोविड के समय में उसने गरीबों की बहुत हेल्प करी, पार्ले जी गरीबों की रोटी बन गया था उस समय। घर पे भी काम सारे लोगों को ज्यादा पड़ रहे थे, क्योंकि बाहर कोई जा नहीं रहा था, कोई काम वाला कोई आ नहीं रहा था काम करने के लिए, बाहर से किसी को बुला नहीं रहे थे। तो हम लोग ने भी पार्ले जी काफी सारे खरीद लिए थे, अगर कोई गलती से कुछ भी मांगने वाने के लिए आ जाता था तो एक पार्ले जी दे देते थे लेके उसको। तो ये तरीका था, लेकिन हाँ, और लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि उनको पता था कि एटलीस्ट एक बार की भूख उनकी 2-3 घंटे के लिए मिट जाएगी उससे। तो पार्ले जी जो है वो इस पैंडेमिक में गरीबों की रोटी की तरह काम आ रहा था, और उसकी सेल्स 100 साल में जितनी नहीं हुई थी उतनी सेल इस कुछ एक साल में हुई, बहुत डिमांड था उसका, और उन्होंने उस डिमांड को पूरा किया। क्यों? क्योंकि जब मैं वहां पे गया था, जब हम लोग विजिट कर रहे थे, तो वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 60-70% पे चल रहा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएसआई में, रोल ऑफ एसएसआई इन डेवलपिंग मॉरल ऑफ वुमेन। देखिए, आप अगर किसी भी स्मॉल स्केल इंटरप्राइज में विजिट करेंगे, और अगर आप खुद भी आगे चल के अंत अपने ओर बनेंगे, और आप किसी ऑफिशियल वर्क के लिए एम्प्लॉय ढूंढेंगे, जैसे कि आपको रिसेप्शन का काम कराना है, आपको डेटा एंट्री करानी है, आपको एचआर के लिए कोई एचआर मैनेजर चाहिए, हायरिंग के लिए आपको कोई एक्सेल रिलेटेड बैकएंड का काम कराना है, लिखा पढ़ी का कुछ काम कराना है, तो आप चाहेंगे कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो 8 घंटे सीट पे बैठे और डेडिकेशन के साथ फुल काम करे। ये बात नहीं करे कि बार बार मसाला खाने चला गया, सिगरेट तंबाकू खाने चला गया, बैठ ही नहीं पा रहा है। तो ये लड़कों में साइकोलॉजी होती है, चिपक के नहीं बैठ पाते एक जगह, और डिमांडिंग भी ज्यादा होते हैं, एम्बिशन भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि खर्चे ज्यादा होते हैं, दुनिया भर के फालतू के खर्चे होते हैं, तो इसलिए उनका एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में विजिट करेंगे, जहाँ पे हैंडलूम का काम हो रहा है, कैंडल मेकिंग का काम हो रहा है, इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, पेंटिंग रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, तो आप ये पाएंगे कि 80-90% वर्कर जो है वो फीमेल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एटलीस्ट, ठीक है। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे तो भी आप ये पाएंगे कि ज्यादातर फीमेल स्टाफ है, जो बैकएंड में काम कर रहा है, रिसेप्शन में काम कर रहा है, या इस तरह का काम कर रहा है, तो वो ज्यादातर फीमेल स्टाफ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और हम लोगों ने केस स्टडी करी थी लिज्जत पापड़ की, वो भी एक मतलब स्टार्ट हुआ था एक स्मॉल लेवल पे स्टार्ट हुआ था, अभी तो वो कोऑपरेटिव है, बड़े लेवल पे पहुंच गई है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो एक स्मॉल स्केल यूनिटी है, क्योंकि हर एक लिज्जत सिस्टर अपने घर पे छोटा सा काम करती है, तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह ही चल रही है। तो वो सारे का सारा पापड़ बेलने का काम वो 45,000-50,000 लिज्जत सिस्टर्स करती है, उसमें कोई भी मेल नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने महिलाओं को इज्जत दी, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, और उनको वो पावर दी कि वो अपने फैमिली को ड्राइव कर सकें। पहले ये होता था कि उनका काम, मतलब आज से जब देश आजाद हुआ था उस समय तक ये था कि फीमेल पार्टनर का काम खाली घर को मैनेज करना है, होम मेकर कहते हैं इसीलिए, हाउस वाइफ, अभी भी हाउस वाइफ या होम मेकर ही कहते हैं। मेल को क्यों होम मेकर नहीं कहते हैं? क्योंकि ऐसा हमारा परसेप्शन शुरू से चल रहा था, तो उसका काम खाली होता था कि घर में बच्चे देखो, खाना बनाओ। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने ये कर दिया कि नहीं, इक्वली पार्टनर करना है, वो घर का खाना भी बना सकती है, बच्चे भी देख सकती है, और साथ ही साथ इनकम में भी मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर है। और अगर आप कहीं आदिवासी क्षेत्रों में भी चले जाएं, वहां पे भी औरतें घर का भी काम कर रही हैं और बाहर से पैसे भी अर्न कर रही हैं। और ज्यादातर जो वहां के मेल वर्कर है वो ताड़ी पी के पड़े हुए हैं, कहीं पे जुआ खेल रहे हैं, चाहे गांजा फूंक रहे हैं, कहीं चरस पी रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमारे देश को काफी हद तक डिराइव करने में पिछले कुछ सालों में फीमेल्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसीलिए कहा जाता है शायद कि अगर घर में आप लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ वो खुद ही पढ़ेगा, वो भी बड़ा पढ़ेगा कि पैसा बर्बाद कर देगा,
पता नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब पूरा घर शिक्षित हो जाता है, वो अपने आने वाली जनरेशंस को भी एजुकेशन देती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया, लड़कियों को रोजगार दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थी उनको बहुत स्ट्रेंथ मिली है। और बहुत हद तक जो मेल मेंबर होते हैं घर के वो कमाते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं इधर उधर की चीजों में, लेकिन अगर फीमेल कमाती है तो वो फैमिली के ही वेलफेयर में खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई में, उनके भविष्य में, उनके हायर एजुकेशन में ही खर्च होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे देश को बहुत फायदा मिला है। अब देखिए अलग अलग स्टेट में किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया गया, वो देखिए। प्रोग्राम रिलेटेड टू वुमेन इन पंजाब, तो वहाँ पे जो वहाँ के हैंडक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, फुलकारी, तो फुलकारी का जितना भी काम है वो ज़्यादातर वहाँ पे महिलाएं देखती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी अलग अलग स्टेट में चले जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में चिकन का काम है, या फिर अगर आप मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी वो हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे के सारा ज़्यादातर महिलाएं देखती हैं। महाराष्ट्र में अगर आप चले जाएंगे तो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिस उसमें ज़्यादातर आपको फीमेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे भी अगर आप आसपास काफ़ी सारे जो स्मॉल लेवल पे हैंडक्राफ्ट का काम होता है, टेक्सटाइल मिल्स होती हैं जहाँ पे कपड़ा बनाने का काम होता है, वो सारे के सारे उसमें 80-90% वर्कर आपको फीमेल्स ही मिलेंगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप लोग को कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी है तो बताइए।